पिछले टॉपिक में भी हमने रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में किया था, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही एक और रिजल्ट है हमारे पास। इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो ए इज टू बी, क्वांटिटी किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ए इज टू बी के रेशियो में, देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू बी टाइम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू ए। न्यू क्वांटिटी विल बी बी टाइम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू ए। राइट, देखिए जरा, ओरिजिनल रेशियो में क्या दिया था क्वांटिटीज का, ए इज टू बी, करेक्ट। एंड इस रेशियो में, सॉरी, ओरिजिनल रेशियो ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है ए इज टू बी, देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू बी टाइम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ए। राइट, जैसे कि यहां पर हम एक इलस्ट्रेशन गिवन है, रौनक वेट्स दिस केजी, रौनक का वेट कितना है 56.7 kg। इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन रेशियो 7:5, और वो अपना वेट किस रेशियो में रिड्यूस करता है, 7:6 के रेशियो में, फाइंड हिज न्यू वेट, उसका नया वेट हमें फाइंड करना है। सो ये उनका ओरिजिनल वेट है एंड इस रेशियो में उनका रेट डिक्रीज हुआ है, सो फाइंड हिज न्यू वेट। अगर इस रेशियो को ए टू बी से कंपेयर करें, ए हमारा 7 होगा एंड बी हमारा हो गया 6। राइट, नाउ फाइंड हिज न्यू वेट। सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये जो हमें प्रॉपर्टी दी हुई थी यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग न्यू वेट कितना होगा? न्यू वेट इज इक्वल टू बी टाइम ऑफ ओरिजिनल वेट, बी इज व्हाट, बी इज 6, 6 ऑफ ओरिजिनल वेट इज 56.7 डिवाइडेड बाय ए, ए इज 7, राइट, बी टाइम ऑफ ओरिजिनल वेट इनटू 7। सो 7 से हम इसको कट कर सकते हैं, 7 8 जा 7 1 जा 6 × 1.8.1 दैट इज इक्वल टू 48.6, सो हिज न्यू वेट विल बी 48.6 kg। सो इस रिजल्ट को आप याद रखिए, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो ए इज टू बी, क्वांटिटी अगर ए इज टू बी के रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, इन दैट केस न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू बी टाइम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ए, करेक्ट। सो इसको जहां जरूरत हो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारे पास एक क्वेश्चन और है, सिंप्लीफाई द रेशियो दिस, फ्रैक्शन में हमें 3 रेशियो गिवन है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द रेशियो 1:3, 1:8 एंड 1:6। 1:3 1/3 1/3 1/8 1/6, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 3, 8 एंड 6, इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, 3, 8 एंड 6, राइट। सो एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हो गया इनका 24, एलसीएम क्या आ गया इनका 24, राइट। सो 1/3 को 24 बनाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सेकंड जो रेशियो हमारा दिया 1/8, इसमें डिनोमिनेटर में हमें 24 बनाना है, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रेशियो हमारा 1/6, इसमें भी हमें 24 बनाना है, सो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 8/24, देन इट इज 3/24 एंड देन इट इज 4/24। 24 को हम हर जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो आवर रेशियो विल बी 8:3:4। सो हमें इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना था एंड इट्स सिंप्लीफाइड रेशियो इज 8:3:4। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। एक काफी अच्छी इलस्ट्रेशन यहां पर हमें गिवन है,
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है 720, इज उनका नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 3:8. इफ 18 न्यू गर्ल्स वर एडमिटेड इन द स्कूल, स्कूल में नए स्टूडेंट्स कितने आ गए 18, फाइंड हाउ मैनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे बी चेंज टू 2:3. सो नया रेशियो क्या हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देखिए. टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में अभी प्रेजेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है हमें 720. वहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 3:5. जो प्रेजेंट रेशियो है वो कितना है, पहले अभी 3:5 का रेशियो दिया हुआ है. यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि गर्ल्स कितनी होंगी और बॉयज़ कितने होंगे, राइट. सो इन दोनों रेशियोज को ऐड कर दीजिए, इनका सम आ गया 8. सम ऑफ रेशियोज क्या है हमारा 8. सो आपको नंबर ऑफ बॉयज अगर फाइंड करना है, सो आप कर सकते हैं बॉयज का जो रेशियो है दैट अपॉन सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट. जो बॉयज का रेशियो है दैट अपॉन सम ऑफ टू रेशियो 3:5:8 इनटू टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ. ये आप कैंसिल कर देंगे, दैट इज 270. स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं बॉयज, टोटल बॉयज कितने हैं 270. इसी तरह से आप नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं. गर्ल्स आपके या तो आप 720 में से 270 को माइनस कर दीजिए, या फिर 5/8 जो गर्ल्स का रेशियो है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर से वही 720, दैट इज 450. सो बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 450. अब ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को देखिए जरा, 18 न्यू गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल, स्कूल में और गर्ल्स कितनी एडमिट हो गई 18, 450 पहले से थे 18 और ऐड हो गए, राइट. सो अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, 450 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर एडिंग 18 गर्ल्स टू द स्कूल, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे अब, वो हो गए 450 प्लस 18, राइट, दैट इज 468. अब हमें ये देखना है कि हम बॉयज स्कूल में कितने न्यू एडमिट करें, कितने स्कूल में कितने बॉयज ऐड किए जाएं, कि जो बॉयज से गर्ल्स का रेशियो है दैट शुड बी टू इज टू थ्री. हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज टू बी एडेड इज एक्स. सो ये हो जाएगा हमारा 270 प्लस एक्स, नंबर ऑफ बॉयज टू बी एडेड मस्ट बी एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, अब कितने हैं 468, और इनका रेशियो कितना होगा 2:3, दैट इज 2/3, राइट. ये होना चाहिए, इससे इक्वेट कर देंगे, करेक्ट. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो 270 प्लस एक्स, दिस इंप्लाइज 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 2/3 इंटू 468. 3 से इसको कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 5 जा 3 6. सो 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 312, राइट. सो एक्स विल बी व्हाट 312 माइनस 270, राइट. दिस इज इक्वल टू 42, राइट. सो हमें कितने बॉयज स्कूल में एडमिट करने चाहिए, 42 बॉयज एडमिट करने चाहिए. उससे हमारे जो प्रेजेंट बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद इनवर्स रेशियो, किसी भी रेशियो का इनवर्स क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, देखिए जरा. इनवर्स रेशियो,
वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अदर, वन रेशियो इज इनवर्स ऑफ अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन. सपोज आपके पास एक रेशियो है, एक रेशियो आपके पास टू अपॉन थ्री, सॉरी टू इज टू थ्री, एक रेशियो क्या आपका टू इज टू थ्री. सो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? सिंपली आप समझ सकते हैं इसका इनवर्स रेशियो होगा थ्री इज टू टू, राइट. जस्ट टर्म्स को उल्टा कर दीजिए. जैसे फर्स्ट रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या होगा टू अपॉन थ्री, सेकेंड रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा थ्री अपॉन टू, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू कैंसिल, इट इज वन. इनका प्रोडक्ट क्या आ गया वन. अगर दो रेशियो का प्रोडक्ट वन आता है इट मीन वन रेशियो इज रिवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ अदर रेशियो, एक रेशियो दूसरे का क्या होगा इनवर्स. डेफिनेशन में भी यही लिखा, देखिए जरा, वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन. दस ए इज टू बी इज इनवर्स रेशियो ऑफ बी इज टू ए. ए इज टू बी क्या है इनवर्स रेशियो ऑफ बी इज टू वन. सो 2 अपॉन 5 का इनवर्स रेशियो क्या होगा 5 अपॉन 2 इज टू 5, फ्रैक्शन नहीं, 2 इज टू 5 का इनवर्स रेशियो क्या होगा 5 इज टू 2. 7 इज टू 3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा 3 इज टू 7. 1 अपॉन 2 इज टू 1 अपॉन 3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, क्या करेंगे 1 अपॉन 3 इज टू 1 अपॉन 2. जस्ट टर्म्स को रिवर्स करना है तो ये होता है इनवर्स ऑफ ए रेशियो. नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, ए रेशियो ए इज टू बी इज सेट टू बी ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इफ ए इज ग्रेटर देन बी. अगर रेशियो की जो दो टर्म है 2 इज टू 3 एक 5 इज टू 4, यहां पर क्या है ए इज ग्रेटर देन बी, सो ये रेशियो 5 इज ग्रेटर देन 4, सो ये रेशियो कैसा है ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, राइट. एंड ऑफ स्मॉलर इनइक्वलिटी कैसे कहेंगे इफ ए इज लेस देन बी. ए अगर बी से ग्रेटर है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन रेशियो इज सेड टू बी ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी एंड ऑफ लेस इनइक्वलिटी इफ ए इज स्मॉलर देन बी, राइट. 2 इज टू 3 कैसा रेशियो है रेशियो ऑफ स्मॉलर इनइक्वलिटी, राइट. 6 इज टू 7 कैसा है रेशियो ऑफ स्मॉलर इनइक्वलिटी. 5 इज टू 3 रेशियो कैसा है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, करेक्ट. Let us see next point. The ratio compounded of two ratio A is to B and C is to D is this compound ratio. कि दो रेशियो से को ज्वाइन करके नया रेशियो कैसे बनाते हैं, कंपाउंडेड रेशियो कहा जाता है उसको. टर्म्स को जैसे एक रेशियो हमारा A is to B है एंड सेकेंड रेशियो हमारा C is to D है. अगर इस रेशियो की फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए A into C एंड सेकेंड रेशियो को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए b इज टू d, इनसे जो नया रेशियो बन के आएगा इस रेशियो को कहा जाता है कंपाउंडेड रेशियो, राइट. एक रेशियो हमारा 2 इज टू 3, सेकेंड रेशियो है 6 इज टू 4, 6 इज टू 5 ले लेते हैं. सो इनसे अगर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दैट इज 12, सेकेंड को फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 15, तो जो 12 इज टू 15 होगा दैट इज आवर कंपाउंडेड रेशियो. कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट रेशियो की फर्स्ट टर्म और सेकंड रेशियो की फर्स्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रेशियो की सेकंड टर्म और सेकंड रेशियो की सेकंड टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, उनसे जो नया रेशियो आएगा दैट इज कंपाउंडेड रेशियो. नेक्स्ट, अच्छा इसमें थ्री का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. जैसे एक रेशियो ए इज टू बी है, सेकेंड रेशियो सी इज टू डी है, ठीक है, इस टाइप से, एंड थर्ड रेशियो आपका ई इज टू एफ है. तो इनसे जो कंपाउंड रेशियो बनेगा वो ए सी और ई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए सी एंड ई इज टू बी डी एंड एफ, तीन टर्म है तो इस टाइप से होगा, करेक्ट. नेक्स्ट इज ए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो. एक रेशियो हमारे पास ए इज टू बी, इसको दोबारा से लिखें ए इज टू बी, और
इनको इनसे एक कंपाउंड रेशियो बनाते हैं, तो वो रेशियो क्या होगा, ए इंटू ए इज टू बी इज टू बी, सॉरी बी इंटू बी, राइट, बी इंटू बी, दैट इज ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर। इसे क्या कहा जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। क्या क्या नाम होगा इसका, डुप्लीकेट रेशियो, रेशियो कंपाउंडेड विद इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो, राइट। नेक्स्ट, सो ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर क्या है, ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशियो है। इसी तरह से ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगर तीन बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या आप सिंपली ये कह सकते हैं तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए इंटू ए इज टू बी इज टू बी इज टू बी, सो इट इज ए क्यूब इज टू बी क्यूब। इसे कहा जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो, राइट। नेक्स्ट आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे एक रेशियो दिया हुआ है हमें 25:36, अगर इसका रूट ले लिया जाए दोनों साइड तो रेशियो हमारा होगा 5:6। 5:6 को कहा जाएगा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सॉरी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, करेक्ट। इसी तरह से यानी कि स्क्वेयर रूट ले लेना है आपको, 121:144 का आपको रेशियो दिया हुआ है, सो दोनों साइड आप रूट ले लीजिए। 121 11 का स्क्वेयर होता है तो इसका रूट क्या आएगा, 11, 144 ये 12 का रूट होता है, 11:12 ये क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सपोज 8:27 है, अगर दोनों साइड क्यूब रूट कर दिया जाए तो जो रेशियो आएगा, 8 का क्यूब रूट होता है 2, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, सो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 3, सो जो रेशियो आएगा दैट इज 2:3 इज नॉन एज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, राइट। ये कैसा रेशियो है, 2:3 इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27, करेक्ट। ये भी एक पॉइंट है वैसे, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा हमारे लिए यूज नहीं है। इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू इंटीजर्स द क्वांटिटी आर सेड टू बी कमेंसुरेबल, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकमेंसुरेबल। जैसे √3:√2, √3 एक इंटीजर नहीं है, √2 भी एक इंटीजर नहीं है, सो इस रेशियो को हम एज ए इंटीजर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो ये रेशियो हमारा कैसा हुआ, इनकमेंसुरेबल हुआ, क्योंकि इस रेशियो को हम इंटीजर्स, इस रेशियो की जो दो टर्म है उनको हम एज ए इंटीजर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, ये एक अच्छा पॉइंट है 6, कंटिन्यूड रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 or more क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। कंटिन्यूड रेशियो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ 3 or more क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ए इज टू बी इज टू सी, इस टाइप से। देखिए जरा ये एग्जाम्पल से ये ज्यादा बेटर समझ आएगा। रेशियो ऑफ ₹100, ₹400, ₹600 इज, इनका अगर रेशियो निकाला जाए, कंटिन्यू रेशियो निकाला जाए तो क्या करना है हमें, इनका रेशियो क्या होगा हमारा, 200:400:600, ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड रेशियो। जीरो कैंसिल कर सकते हैं, फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 1:2:3, ये रेशियो हमारा क्या बन गया, कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 3 क्वांटिटी है ये, राइट। इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगले वीडियो में आगे के इलस्ट्रेशंस लेंगे हम, इसको यहीं ख़त्म करते हैं।